इस राज में, इस हवेली में सिर्फ मैं ही पति और पत्नी जानती हूँ। इस राज में प्रजा का जान जाएंगे तो राजा के बारे में तहलका उछालेगी हड़पजादी। तो सच सच बताओ मेरे स्वामी को, तुम्हें ईटा और पत्थर का जन्म दिया है या नहीं दिया है? चल बोल मेरे स्वामी को। स्वामी जी बोलो, जिस समय मुझे परसव हो रही थी, कौन कौन था? बड़ी दीदी ने, बड़ी दीदी की कहना था कि छोटी बहन, ये सोना पूर्ण का रीति रिवाज है, जिस औरत को पेट से गणपति बच्चे होते हैं उस समय आँखों में पट्टिया और पैरों के चूल्हे में सड़कों कोठी में डाले जाते हैं, उसके बाद प्रसव होती है। इसलिए स्वामी जी मैं प्रसव के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या ये सचमुच बात है स्वामी जी? हाँ ये बात सही है। औरत के बाद औरत ही समझती है, आप तो पुरुष से आप कुछ नहीं जानेंगे। ऐसा मैं इसलिए क्या, ताकि एक गर्भवती थी, मैं इनके आंखों में सात तो पट्टी बांधी थी और पैर को चूल्हे में और सर को कोठी में दिया था। लेकिन ये सब मैं इसलिए क्या, गर्भवती थी, एक बच्चे की जन्म देने वाली थी, इसलिए अच्छी तरह से ये प्रसव इसके हो सके तो मैं ऐसा काम किया। लेकिन स्वामी जी आप ही बताइए, इतना मैं इतना काम करने के बावजूद मैं इसके प्राण बचाई हूँ। हाँ बचाए हो। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, तुम्हारा कोई गलती नहीं महारानी। मैं तो आपको कहती हूँ, ये लगता है डायने चुड़ैले अपने पेट का बच्चा अपने पेट में ही खा गई है, इसे जल्द से जल्द अपने मान से बाहर किया जाए। ठीक है मैडम, 14 वर्ष के लिए बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने महल की चली जाओ। क्या घर से निकाल देता हूँ इसको। स्वामी जी लगता है ये कार्य आपसे होने वाला नहीं है। नहीं है? नहीं है। ठीक है, एक कार्य मैं खुद पूरी करती हूँ, आप साइड में रहिए। ठीक है, आप साइड में रहिए। साली कुत्ती कभी ने और अपनी की शहजादी पुत्र के जगह पे एकदम पट्टल का जन्म देने का, जन्म देने का अवश्य क्या होती है और क्या नहीं होती है साली, मैं अभी बताती हूँ। इसका अंजाम क्या तो साली चला। Do you know?
संतान पुत्र हुआ या पुत्री मुझे ये भी मालूम नहीं महारानी। हाँ क्या कितना